Namaste friend, welcome to my channel. आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ग्रीन सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना है बहुत आसान और खाने में टेस्टी और हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सारे है ही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिए हैं। थोड़ा सा ब्रोकली लिए हैं, इसे अच्छी तरह से पानी से धोकर पहले काटे हैं, और गाजर थोड़ा सा काट कर लिए हैं, बंद गोभी भी थोड़ा सा काट कर लिए हैं, और ये बैगनी कलर का जो आता है बंद गोभी वो भी काट कर ले लिए हैं थोड़ा सा, और ये तीन कलर का कैप्सिकम लिए हैं, येलो ग्रीन और रेड, थोड़ा थोड़ा लंबे शेप में काट कर लिए हैं, और 1 इंच अदरक टुकड़ा को भी लंबे शेप में काट लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस जलाकर गैस पर पैन रख लिए हैं। अब इनमें 1 छोटी चम्मच कोई कुकिंग ऑयल अथवा ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, मैं अभी ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, तो डाल लिए हैं। अब इसे इस तरह से थोड़ा लगा लेंगे चारों तरफ। अब गर्म होने देते हैं तेल को। अब इनमें डाल लेते हैं अदरक, और अदरक को पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब इनमें डालते हैं सारे सब्जियाँ, एक एक करके डाल लेते हैं। सब्जी को हम हल्का रोस्ट करेंगे, आप चाहे तो स्टीम भी कर सकते हैं। तो सारे सब्जी पहले डाल लेते हैं। तो सारे सब्जी डाल लिए हैं। अब इन्हें लो फ्लेम पर ही इन्हें 1 मिनट इस तरह से चला लेते हैं। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट के लिए इन्हें ढक देते हैं, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करेंगे, सिर्फ आधा मिनट के लिए ढक कर रखते हैं और फिर खोलकर इसे चलाएंगे। तो आधा मिनट हो चुके हैं, एक बार खोलकर चला लेते हैं इन्हें। तो अब इन्हें आधा मिनट और पकाएंगे हम, तो ढक देते हैं। तो आधा मिनट हो चुके हैं, फिर से ढककर गैस ऑफ कर लिए हैं। ये पक चुका है ये सैलेड, अब हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे इन्हें। अब इनमें डालते हैं थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले ऑरिगेनो डालते हैं। यदि आपके पास ऑरिगेनो नहीं हो तो आप तुलसी के पत्ते अथवा पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, और काला नमक थोड़ा सा या अपने स्वाद के अनुसार डालकर, और धनिया के पत्ते थोड़ा सा काट कर डाल रहे हैं। अब सारे चीज़ों को एक आपस में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अब ये सैलेड तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। तो लीजिए, मैंने सैलेड को सर्व कर लिए हैं, और देखने से ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सैलेड, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही। तो आप इन्हें बनाइए और किसी भी वक्त आप खा सकते हैं। जैसे आपको नाश्ते हल्का लेना है उस समय ले सकते हैं, डिनर हल्के खाने हैं उस समय ले सकते हैं, अथवा एज अ साइड डिश के रूप में इन्हें सर्व कर सकते हैं डिनर लंच में। तो आप ये बनाकर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।